हेलो एवरीवन। तो ये डाउट मेघा ने भेजा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने बैंकिंग में भी देखा हुआ है, उसका जुलता एसएससी में भी देखा हुआ है, और मिलता जुलता मैंने कैट और बाकी सभी एग्जाम्स में देखा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मिक्सचर के जो मैंने बेसिक क्लास में करा रखे हैं बिल्कुल वही बेसिक यूज होंगे। मैंने आपको कितनी बार यह बताया है क्लास में कि अगर एक मिक्सचर है, सपोज उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, कुछ पार्ट अगर मैं निकाल लेता हूँ उसमें से, तो जो पीछे रह जाएगा उसमें भी 3:2 होगा, और जो निकाला है उसमें भी क्या होगा, 3:2। ऐसे मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए थे, तो ये भी वैसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। देखिए, ए वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 14:3। तो उस वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो 14:3 ठीक है, और आपने कितना उसमें से निकाल लिया, 25.5। ठीक है, मैंने 25.5 निकाल लिया मिक्सचर। तो जो रह जाएगा उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा बताओ। यस, 14:3 होगा। जो रह जाएगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 14:3 होगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे समझ। आपको क्या कहते हैं, एड 2.5 लीटर ऑफ प्योर वाटर। वाटर 2.5 ऐड किया है, ठीक है, वाटर की तरफ 2.5, और 5 लीटर प्योर मिल्क भी ऐड किया गया, एंड 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज ऑल्सो ठीक है, ये याद रखना। एंड द मिक्सचर नाउ कंटेन्स 20% ऑफ वाटर। अगर उसमें 20% पानी रह गया, 80% उसमें क्या है, मिल्क रहेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ अब जो नया रेशियो बना वो 20:80 और 20:20, 4:1 का बना। कोई डाउट है? अगर 20% उसमें पानी है तो 80% मिल्क है। तो लॉजिकली आप बहुत ही फास्ट मोड में कह सकते हो ना कि जो नया रेशियो बन गया मिल्क और वाटर का 4:1, ये क्यों बना, क्योंकि आपने उसमें 5 लीटर का मिल्क डाला है और 2.5 लीटर क्या डाला है, वाटर डाला है। यहां तक कोई इश्यू? अब ये फॉर्मेट देखते ही आपके माइंड में दो मेथड आ जाएंगे। एक तो नॉर्मल एक्स वाला मेथड कि भैया इस टाइप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि मिल्क और वाटर का रेशियो मैं साइड में कर रहा हूँ 14:3 है, तो 14x और 3x कह के, और उसमें आपने 5 पानी डाला, 14x+5, समझ पा रहे हो मेरी बात, और 3x+2.5 जो नया रेशियो बना वो क्या बना, नया रेशियो 4:1, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे 14x+5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12x+10, यस और नो? तो 2x की वैल्यू 5 या x की वैल्यू 5/2, यहाँ पे x की वैल्यू 5/2 आ गई है, 2.5 आ गई। अब मैंने इसी चीज को अपनी क्लासेस में कई बार मैंने स्पेशल असाइनमेंट दिए इसके ऊपर आपको, डबल क्रॉस पे एक क्रॉस ऐसे लगाते थे, याद करो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वेट करो। एक क्रॉस ऐसे लगाते थे, याद करो, और एक क्रॉस ऐसे लगाते थे, याद आई डबल क्रॉस ट्रिक? क्लास में मैंने आपको बहुत बार कराया था। तो 14 × 14 = 3 × 12, 14 × 14 = 14, 3 × 4 = 12, 14 − 12 = 2 यूनिट, यानी कि 2x की वैल्यू, और एक क्रॉस 10, 2.5 × 4 एंड 5 = 5। ओके, तो 2 यूनिट = 5 और 1 यूनिट = 5/2। 1 यूनिट का मतलब एक्स की वैल्यू भी आ गई ना, यही सेम 2.5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आप सेम क्वेश्चन को देखते ही डबल क्रॉस वाले ट्रिक, 14 × 14, 4 × 12 = 10, 5, 2 यूनिट की वैल्यू 5, आपको भी एक्स से करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मैंने कितने क्वेश्चन डबल क्रॉस ट्रिक से आपको एग्जाम में क्लास में करा रहा था। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, इसका मतलब जब तक आपने 5 वो नहीं डाला था मिल्क और 2.5 पानी नहीं डाला था, तो टोटल मिक्सचर 14:3 में था, यानी कि 14 यूनिट मिल्क था, 3 यूनिट वाटर था, यानी कि 17 यूनिट मिक्सचर था, आया ना? और 17 × 2.5 कर दो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 लीटर आई है, तो x की वैल्यू 2.5 आई है, तो 17x की वैल्यू 17 × 2.5, 17 × 2 कितना होता है जल्दी बताइए, 34, एंड 17 × 0.5 17 का मतलब आधा 8.5, तो 42.5 होगी कैलकुलेशन। देखिए
लेकिन ये 42.5 मीटर कब था, जब आपने 25.5 निकाला था तो ये रह गया था। तो अगर 25.5 ना निकाला होता तो 42.5 में भी ये 25.5 ऐड करते, तो नॉर्मल 42 प्लस 25 67.5 और 0.5 1, तो 67 प्लस 1 68 हो। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल बिफोर द रिप्लेसमेंट, तो आंसर शुड बी 68। कहने का मतलब ये है कि यहां तक आने के बाद आप डबल क्रॉस चेक भी लगा सकते हो, नॉर्मल एक्स वाली मेथड से भी कर सकते हो। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। तो जो भी बच्चे मुझे डाउट्स भेजते हैं, जैसे मेघा ने भेजा, नेहा सैनी ने भेजा, प्रतीक ने भेजा, जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जो पिछले साल भी पढ़ते थे या उससे पिछले साल भी पढ़ते थे, ठीक है, उनके मैं सभी डाउट्स जो अच्छे अच्छे उनके मैं विंडोज बना ही रहा हूँ, तो आप भेजिए। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।